आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा नवजात शिशु पोषण। हमने प्राण प्रत्यागमन पढ़ लिया, परिचर्या भी पढ़ ली, उसके बाद अब हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि बच्चे की बर्थ हो चुकी है, उसके बाद हम उसे न्यूट्रिशन क्या देंगे, आहार क्या देंगे, क्या हमें उसको खिलाना है, किस तरीके से खिलाने की शुरुआत करनी है, वो सारा आज हम इस पर बात करेंगे। यानी कि ज़्यादातर इस टॉपिक के अंदर हम ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयुर्वेद का भी और मॉडर्न का भी। तो शुरू करती हूँ मैं टॉपिक को, नवजात शिशु पोषण। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? शिशु जन्म के पश्चात जल्द से जल्द उसे माता का स्तन पिलाना चाहिए। ये बात हम पढ़ चुके हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो उसको अपनी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। जो जात मात्र और सद्यो जात की जो परिचर्या होती है उसमें क्या है, बेबी को मदर से अलग नहीं किया जाना चाहिए, वरना क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक माँ के अंदर लिखा भी है, संहिताओं में लिखा भी है ये बात, माँ के अंदर एक वात्सल्य का भाव होता है जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो भूखा है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है मदर के अंदर, अपने आप ही बढ़ जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो मेंटली सोच रही है कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा है। इस वजह से क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन और सिक्रीशन, इजेकुलेशन सारा का सारा उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लिखते हैं आयुर्वेद वाले। आगे हम पढ़ेंगे, आएगा इसमें। तो हमें क्या करना है, जैसे ही बर्थ हो चुका है उसके बाद उसे जल्दी जल्दी क्या करवाना है, माता का स्तन्य पिलाना है उसको, ठीक है। फर्स्ट फीड, सबसे पहले बच्चे को, ये मॉडर्न कहता है, ये मॉडर्न कहता है, ये वाली बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई भी थी। क्या बोलता है मॉडर्न, पहले सबसे पहले फीड हम क्या करवाएंगे उसको, ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाएंगे बच्चे को, कुछ नहीं देंगे। क्या कि थोड़ा सा पानी पिला देते हैं इसको, थोड़ा सा ग्लूकोज चटा देते हैं, थोड़ी सी घुट्टी चटा देते हैं, या हनी दे देते हैं, शहद चटा देते हैं, जो कि होता है जनरली। ये सब नहीं करना है, कोई भी घुट्टी नहीं देनी है, शहद नहीं चटाना है, ग्लूकोज नहीं देना है, कोई पानी वानी कुछ नहीं पिलाना है बच्चे को। क्या देना है, केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देना है। फर्स्ट फीड हमेशा ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए, ये कहता है मॉडर्न। क्यों बोला है इन्होंने, फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या बताई है मॉडर्न ने, क्या है इम्पोर्टेंस इसकी, कि ब्रेस्ट मिल्क ही क्यों पिलाना है सबसे पहले, वो इसलिए कि देखिए ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन, अगर मदर बीमार नहीं है तो, केवल किस कंडीशन में बात चल रही है ये वाली, अगर जो मदर है वो हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। बिल्कुल सच बात है, ब्रेस्ट मिल्क ऐसा तो है नहीं कि बाहर कंटेनर में रखा हुआ है और उसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो गया, कोई गंदा पानी मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होगा, फ्री फ्रॉम एडल्टरेशन, कोई मिलावट नहीं हो सकती इसके अंदर के, थोड़ा सा पानी मिला के पिला दिया, कोई मिलावट भी नहीं होगी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। अवेलेबल ऑन डिजायर टेम्परेचर, यानी कि खुद मदर की बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे का टेम्परेचर होगा। तो जो भी टेम्परेचर है, जिस जिसको बच्चा जो है टॉलरेट कर सकता है उसी टेम्परेचर पे मिलेगा। उसके बाद क्या है, अर्ली डाइजेस्टेबल एंड कन्वीनियंट, जल्दी ही बच्चे को क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत भारी नहीं होता है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी थोड़ा सा कि जो गाय का दूध होता है या माहिष दुग्ध, भैंस का दुग्ध जो होता है वो क्या होता है, गुरु गुण वाले होते हैं, पचने में भारी होते हैं, तो क्या होगा, बच्चा इजीली इनको पचा नहीं पाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, इनमें पानी मिला के पिलाते हैं। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा नहीं है, वो क्या होगा, लघु गुण वाला होता है, हल्का होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए बच्चा इसको आसानी से क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन इन चाइल्ड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके की क्या है, एंटीबॉडी जाएंगी, जिसकी वजह से उसको क्या है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो ये वाले काम रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क के। ये इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस बताई है ब्रेस्ट फीडिंग की, कि इनिशियली आपको सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, क्यों पिलाना है वो ये पॉइंट बता दिए। तो ये तो हमने इन शॉर्ट बात की, अभी हम सारा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे कि आयुर्वेद के अंदर नवजात शिशु पोषण में क्या बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले क्या बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि जैसे ही
शिशु की बर्थ हो चुकी है, उसके बाद आप उसको क्या खिलाओगे पिलाओगे? तो देखिए, मंत्र पूरित स्वर्ण अनंता मधु व सर्पी दिन में 3 बार चटाना है। इन्होंने पहले ये नहीं बोला, आचार्य सुश्रुत ने ये नहीं बोला कि आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है सबसे पहले। इन्होंने पहले जो घुट्टी बोलते हैं हम, एक तरीके से घुट्टी दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं या घी दे रहे हैं, उनका मिक्सचर बताया इन्होंने। क्या बोला है? मधु सर्पी के साथ मंत्र पूरित स्वर्ण और अनंता, इनको क्या करना है, घिसके मधु के साथ मिला के उसको बच्चे को दिन में 3 बार उसको चटाना है। कब? पहले दिन। ये कौन से दिन की बात है? पहले दिन, जिस दिन उसका बर्थ हुआ है उस दिन। उस दिन क्या किया? स्वर्ण अनंता लिया, उनको मधु सर्पी के साथ मिलाया और 3 बार चटाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि मधु सर्पी का हम साथ में यूज नहीं कर सकते, वो विष बन जाएगा, लेकिन वो अकेले मधु और सर्पी के लिए बात आती है। अगर आप अकेला मधु और सर्पी समान मात्रा में ले रहे हो तो ही विष बनेगा, अगर कोई तीसरा द्रव्य है या चौथा द्रव्य है तो उनका इफेक्ट वो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनमें मिला के लेना है। सेकंड और थर्ड डे जो लक्ष्मणा जो औषध होती है, आप लोग पुंसवन संस्कार में पढ़ोगे, गायनी के अंदर वहां आती है ये, उससे सिद्ध क्या करना है हमें, घृत का पान कराना है। पान ऐसे नहीं कि 1 किलो घी ले जाके पिला दिया, हल्का सा उसको चटाएंगे दूसरे तीसरे दिन। ठीक है, फोर्थ डे क्या बोला है? पालक की हथेली में जितना मधु व घृत आ जाए उतना 2 बार पिलाना है। यहाँ पे अकेले मधु घृत नहीं है, लेकिन उनकी क्वांटिटी ये आपको समझ जाना चाहिए अपने आप ही कि क्वांटिटी उनकी इक्वल नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा कि जो 10 ग्राम मधु लिया है तो 10 ग्राम ही शहद लेंगे, सॉरी एक ही हो गया, 10 ग्राम मधु लिया है तो 10 ग्राम ही घी लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की क्वांटिटी में क्या रखेंगे? डिफरेंस रखेंगे। तो कितना लेना है? जितना बालक की हथेली में आ जाए, बच्चे का जो हाथ है हथेली है उसके अंदर जितना मधु और घृत आ जाए उतना 2 बार पिलाना है। ये तो बताया आचार्य सुश्रुत ने, यानी कि अभी तक इन्होंने स्तनपान का कोई जिक्र नहीं किया है चौथे दिन तक। उसके बाद ये शुरू कराएंगे, वो भी देख लेंगे आगे। आचार्य चरक क्या कहते हैं इसके बारे में? आचार्य चरक बोलते हैं सबसे पहले कि पहले दिन से और चौथे दिन तक का जो आहार, आहार यानी कि बच्चे को ये थोड़ी आप खिचड़ी खिला रहे हो या मैगी बना के खिला रहे हो, आहार का मतलब है कि स्तनपान किस तरीके से कराना है पहले से चौथे दिन तक, फर्स्ट टू फोर्थ डे। मंत्र से अभिमंत्रित करके पहले बालक को मधु व घृत चटाना है, उसके बाद सबसे पहले दक्षिण स्तन का दूध बालक को पिलाना है। और ये दक्षिण वाली बात हमारी पहले हो चुकी थी कि सबसे पहले शुभ जो माना गया है वो दक्षिण पार्ट को माना गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट वाले से अच्छा उसको जो है इम्यूनिटी मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। केवल जो शुभ अशुभ को ध्यान में रख के सबसे पहले दक्षिण को माना, वो प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, तो मंत्र से अभिमंत्रित करके सबसे पहले क्या है, मधु और शहद लिया, मधु और घी लिया हाथ के अंदर, मंत्र वंत्र पढ़ लिए, उसको चटा दिया बच्चे को, फिर उसके बाद पहले ही दिन बोल दिया आचार्य चरक ने तो कि पहले ही दिन बच्चे को क्या करवा दो, स्तनपान करवा दो। तो ये बात बोली आचार्य चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं बोला है। सुश्रुत फोर्थ डे तक उसको घी शहद इन्हीं में घुमाता फिरता रहता है, उसके बाद क्या करवाएगा वो, स्तनपान शुरू करवाएगा। अब ये सब तो करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये भी तो हमें परीक्षा करनी है कि जो बालक स्तन्य का पान कर रहा है, क्योंकि बालक के लिए सब कुछ, जो छोटा बच्चा है या नियोनेट जो है उसके लिए सब कुछ अभी 6 महीने तक सब कुछ वो उसका किस पे डिपेंड है, ब्रेस्ट मिल्क पर ही उसकी जो है डेवलपमेंट ग्रोथ सारा का सारा जो उसका न्यूट्रिशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो उसकी माँ से उसे ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है उस पर। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो दूषित हुआ, अगर वो जो है हेल्दी नहीं हुआ, तो बच्चे को क्या हो सकती हैं, कई तरह की व्याधियां, कई तरह के रोग हो सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ पर असर हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, स्तन्य की परीक्षा करनी है। स्तन्य की परीक्षा करनी यानी कि देखना है कि ये जो बच्चा स्तन्य पान कर रहा है ये स्तन्य ठीक है कि नहीं, यानी कि प्राकृत है या विकृत है, दूषित है या प्राकृत है, इसके बारे में परीक्षा करनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या तो क्वेश्चन आएगा स्तन्य संपत को बताइए, या तो क्वेश्चन आएगा स्तन्य संपत को बताइए या स्तन्य परीक्षा को बताइए, दोनों एक ही बात है।
दोनों एक ही बात है। अगर आपको संपत, संपत का मतलब क्या होता है? प्रशस्त, जो श्रेष्ठ है, जिसके अंदर सब कुछ पूर्ण है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, उसको कहते हैं हम संपत, जो श्रेष्ठ है, प्रशस्त है। तो स्तन्य संपत हुआ, अगर श्रेष्ठ स्तन्य है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे परीक्षा हो जाएगी। कैसे होगी, बात कर लेते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है इसको निदान स्थान के अंदर, क्या बताया है, यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवती पांडुरम मधुरम च विवर्णम च प्रसन्नम तद विनिर्देशेत। जिसको इजीली याद हो जाते हो कोटेशन, तो वो ये कोटेशन जरूर याद करे, नहीं याद, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप कोटेशन अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बाकी अगर नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि क्या बताया है आचार्यों ने, ये बोल तो दिया, या तो शीरे उद्गम ऐसे करके बोल तो दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा जनरली कि हम दूध के अंदर अगर पानी मिलाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि दूध वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया और पानी अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल सच बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, या फिर नहीं भी देखा है तो आज करके देखिएगा। थोड़ा सा ग्लास में दूध लीजिएगा, उसमें पानी मिलाइएगा थोड़ा सा, तो आप सेपरेट थोड़ी कर सकते हो कि जल अलग हो गया दूध अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वही सेम चीज परीक्षा के लिए आचार्य सुश्रुत ने उसको यूज किया। क्या बोला आचार्य सुश्रुत के अनुसार, शुद्ध दुग्ध जल में डालने पर पानी के रूप का हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा 1 गिलास पानी का भरा हुआ है और उसमें आपने 2-4 बूंद दूध की डाल दी, तो वो पानी के ही कलर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अपना अलग अपियरेंस देगा, यानी कि आपस में ये मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग अपियरेंस नहीं देते कि पानी अलग हो गया दूध अलग हो गया। तो अगर शुद्ध दुग्ध है तो उसको जल में आप डालोगे तो वो पानी के ही रूप का हो जाएगा, पानी के रूप का हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध का जो एकदम जो वाइट कलर है वो आपको पानी के जैसा दिखने लग जाएगा, मतलब ये है कि दोनों आपस में मिक्सचर हो जाएंगे, आप उनको अलग अलग नहीं कर पाओगे, अर्थात उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है? रंग में क्या होगा, जो जो प्रशस्त दुग्ध होगा वो रंग में कैसा होगा, श्वेत, वहां पे पांडु लिखा हुआ है, पांडु से श्वेत ही समझना है, श्वेत ऑब्लिक करके पांडु भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्वाद में कैसा होगा, मधुर होगा। आप लोगों ने जब चरक पढ़ी होगी तो वहां पे चरक का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर दुग्ध के गुण बताए, तो आपने देखा भी होगा दुग्ध रस में कैसा होता है, मधुर होता है, वीर्य में कैसा होता है, शीत होता है, और जब रस में मधुर है तो विपाक भी कैसा होगा इसका, मधुर होता है। तो स्वाद कैसा होता है दुग्ध का, मधुर होता है, इसीलिए बच्चे जो है इजीली पी सकते हैं। अब आप ये सोच के देखिए, दूध अगर कड़वा होने लग जाए तो बच्चे क्या बड़े भी नहीं पियेंगे, तो स्वाद में क्या होगा, मधुर होगा, अविवर्ण युक्त होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता कि कोई आपसे बोले आज तो मैंने हरे कलर का दूध देखा है या नीले कलर का देखा है, काले कलर का होता है, तो उसका कोई कलर नहीं होता, प्योर है, वाइट कलर का होगा, प्योर होगा, स्वाद में मधुर होगा, रंग में श्वेत होगा, पानी में जब आप उसको डालोगे तो मिल जाएगा, और प्रसन्नतादायक होगा। प्रसन्नतादायक का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि दूध पी लिया तो बहुत खुशी हो रही है कि आज तो मैंने दूध पिया, ऐसा नहीं होता। प्रसन्नतादायक मतलब ये है कि जब भी जो छोटे बच्चे के लिए लिखा गया है, जब भी वो दूध पिएगा तो क्या होगा, अगर वो दुग्ध जो है वो प्रशस्त है, श्रेष्ठ है, तो उसको उससे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको बल मिल रहा है, इसलिए उस बल के लिए जो शब्द लिखा गया है वो मिला है प्रसन्नतादायक। तो प्रसन्नतादायक से मतलब ये नहीं कि जब भी मदर ने जो है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को फीड कराया वो जोर जोर से हंसने लग गया, ये नहीं। प्रसन्नतादायक का मतलब है कि उसको अगर जो श्रेष्ठ दुग्ध मिल रहा है बच्चे को, तो उसकी ग्रोथ सही से होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, और उसके अंदर बल की वृद्धि होगी, और बार बार उसको भूख भी नहीं लगेगी, ये मतलब आपको यहाँ पर प्रसन्नतादायक से निकालना है। तो कोटेशन में वही चीज लिखी है जो अभी हमने बात की है, कि यत क्षीरम उदके, अगर आप उस क्षीर को जल में डालते हो तो क्षिप्तम एक ही भवती, वो एक ही हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में मिल जाएंगे। कैसा होगा, पांडुर होगा, पांडु वर्ण का या श्वेत दोनों एक ही बात है। मधुर होगा, स्वाद में कैसा होगा, मधुर होगा, और उसका कोई और कलर नहीं होगा, नीला पीला काला और कोई कलर नहीं होगा, और प्रसन्नतादायक होगा। ये होता है श्रेष्ठ स्तन्य,
या स्तन की परीक्षा भी हम ऐसे ही करेंगे। हम कैसे करेंगे स्तन की परीक्षा, के पानी में डाल के उसको देखेंगे, पानी में वो मिल जा रहा है, आपस में दोनों मिल जा रहे हैं तो यानी कि श्रेष्ठ है। और अगर ऐसा हो गया कि दूध अलग जा रहा है और पानी अलग जा रहा है, जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आप पानी के अंदर तेल की बूंद डालते हो तो तेल पानी में कभी नहीं मिलता, तेल अलग रह जाएगा और पानी अलग रह जाएगा। इसी तरीके से है कि अगर दुग्ध भी पानी में नहीं मिल रहा है, अलग हो गया, यानी कि वो श्रेष्ठ नहीं है, वो दूषित है, उसमें किसी दोष की अधिकता है। इससे आपको ये मतलब निकालना है, ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने क्या बोला है श्रेष्ठ स्तन्य के लिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नारी का स्तन्य, नारी का जो स्त्री का दुग्ध होगा, स्त्री दुग्ध बोल सकते हो या नारी का स्तन्य बोल सकते हो, कैसा होगा वो आचार्य चरक ने बताया। यहाँ पे क्या बताया है, इसका कोटेशन याद मत कीजिएगा, हिंदी पढ़ लेनी है आपको इसकी। नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम, नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम, नारी का जो स्तन्य होगा मधुरम कैसा होगा, रसमय मधुर होगा, कैसा होगा रसमय मधुर। हाँ कौन सा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने भी यहाँ पहले सुश्रुत ही लिख रखा है, फिर बाद में काट के चरक लिखा हुआ है। हाँ, आप इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं, क्या बताया है एक बार और मैं आपको कंफर्म करती हूँ, मुझे ये क्यों लग रहा है कि चरक में भी दे रखा है, हो सकता है दोनों में बताया हो, चरक में भी दे रख, हाँ ठीक है आप इसको ये कर लीजिएगा, बाकी मैं और एक बार देखती हूँ, मैंने अगर लिखा है तो मैंने चरक का भी देखा ही होगा, मैं बताती हूँ आपको अभी क्लास के तुरंत बाद बता दूंगी इसको, ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें जो भी करेक्शन होगा मैं बताती हूँ आपको। तो क्या बोला गया है कि नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम, नारी का जो स्तन्य होगा वो कैसा होगा, रसमय मधुर होगा। कसाया अनुरसम, जो अनुरस होगा, अनुरस क्या होता है, जो रस के बाद में व्यक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुरस कहते हैं। तो अनुरस में कैसा होगा, ये कसाय होगा। और हिमम, शीत होता है, क्योंकि प्रकृति ही शीतल है। प्रकृति शीतल क्यों है, क्योंकि दुग्ध का वीर्य कैसा होता है, दुग्ध का शीत होता है, इसलिए नारी स्तन भी कैसा होगा, प्रकृति में हिम होगा, शीत होगा, वो बात बोली गई है। फिर उसके बाद ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है इसको, नश्च आश्चो तनयो पथ्यम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या होगा, जो नारी का स्तन्य है, बालक का अगर आपको नश्च आश्चोतन करवाना है तो उसमें नारी का स्तन्य हम काम में ले सकते हैं। नारी का स्तन्य जो है वो नश्य और आश्चोतन में अच्छा बताया है छोटे बालकों के लिए, तो नश्य में आश्चोतन में। और पथ्यम, जी पथ्य का मतलब क्या है, बल देने वाला होगा, सॉरी पथ्य का मतलब उसके शरीर के लिए क्या रहेगा, हितकर रहेगा, शरीर के लिए हितकर रहेगा, क्योंकि साथ में होता है जो दुग्ध होगा वो क्या होगा, जन्म साथ में होगा, पथ्य होगा उसके लिए हितकर होगा। और जीवनियम, जीवन को बढ़ाने वाला, जीवन को बढ़ाने का मतलब है कि बल्य होगा, जीवनीय शक्ति को, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, उसकी ग्रोथ में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए ये सारी बात नारी के स्तन के लिए लिखी गई है। और क्या होगा, लघु होता है, लघु होता है, इसीलिए तो बच्चा इजीली इसको डाइजेस्ट कर पाता है। और क्या होगा, दीपनम, अग्नि को भी क्या होगा, बढ़ाने वाला होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है इस वाले कोटेशन से, बाकी मैं आचार्य वाला भी आपका क्लियर करती हूँ, हो सकता है दोनों ने बताया हो, चरक ने भी और सुश्रुत ने भी, अगर लिख रखा है मैंने मतलब होगा कुछ, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने भी सुश्रुत का लिख रखा है, फिर उसके बाद इसको कट करके चरक का लिखा है, या फिर ये हो सकता है मैंने जिस बुक से लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक हो, देखती हूँ मैं, आप बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि नारी का स्तन्य कैसा होगा, रसमय मधुर होगा, कसाय जो अनुरस होगा उसका कैसा होगा, कसाय होगा, शीतल होता है, प्रकृति से शीतल होता है का मतलब है कि वीर्य कैसा होता है दुग्ध का, शीत होता है, इसीलिए यहाँ बोला गया है प्रकृति में शीतल होगा।
नश्य और आश्चोतन में लाभकारी होगा, जीवनीय शक्ति को बढ़ाएगा, वही बात लिखी गई है, पथ्य होगा, जीवनीय शक्ति को बढ़ाएगा और पाच का अग्नि को भी बढ़ाने वाला होगा। आचार्य चरक ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आचार्य चरक ने पहले ही चैप्टर में लिखी है ये बात। आचार्य चरक ने दुग्ध को, स्त्री का दुग्ध नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, दुग्ध बोल रही हूँ, दुग्ध को क्या बताया है, जीवनीय बताया है। तो ये भी आप लाइन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को क्या है, ब्रेस्ट मिल्क ही या मिल्क ही फीड करवाते हैं। अब इन केस ये मान लीजिए कि जो बच्चा है उसकी माँ ही नहीं है, डिलीवरी के टाइम पे अगर माँ की डेथ हो गई है तो उस टाइम पे ये थोड़ी है कि अब ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है तो बच्चे को कुछ भी नहीं पिलाएंगे। तो वहाँ पे भी जो है गाय का दूध या बकरी के दूध का जनरली यूज करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्हीं के जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्त्री के दुग्ध की प्रॉपर्टी होती है वैसी ही प्रॉपर्टी जो होती है वो अजा दुग्ध की होती है, तो वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। और सभी दुग्ध को आचार्य ने क्या माना है, जीवनीय माना है, इसीलिए आप उसका भी पान वहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई स्तन्य के बारे में। अब इसका परीक्षण और कर लेते हैं, जैसे वो भी परीक्षा हमने पढ़ी है, एक एक परीक्षा और बताई है आचार्य चरक ने, क्या परीक्षा बताई है, वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग हो गया कि जल को जब पानी में मिला के देखेंगे तो आपस में मिल जाएंगे, वो वाली परीक्षा जो होगी वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग होगी। आचार्य चरक ने स्तन्य परीक्षण में क्या बताया है, ये कोटेशन मत याद कीजिएगा, नहीं याद करना, केवल लिख दिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हो तो ये शब्द पकड़ सको, बाकी आपको याद नहीं करने हैं। स्तन्य संपत्ति, ठीक है, जिसको याद है वो याद रख सकते हो, लेकिन जिनको नहीं याद होते हैं, क्योंकि हमें सबका लेवल देख के चलना पड़ता है, जिसको नहीं याद होते हैं वो याद ना करें, इम्पोर्टेंट कोटेशन ये नहीं है, लेकिन जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको, स्तन्य संपत्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम उदपात्रे च दुह्यमान उदकम व्यति प्रकृति भूतत्वात् तत्पुष्टि आरोग्यम करम च इति। क्या बताया है इसमें, इसमें बोला है कि जिस दुग्ध का वर्ण गंध रस और स्पर्श स्वाभाविक हो, स्वाभाविक का मतलब ये है कि जैसे दुग्ध में से जो स्वाभाविक जो दुग्ध का वर्ण होता है श्वेत या पांडु वही होना चाहिए, हरा हरा पीला नीला काला ऐसा नहीं होना चाहिए। गंध भी जैसे स्वाभाविक दुग्ध की गंध होती है वैसी ही होनी चाहिए, उसमें से ऐसा नहीं मछली जैसी स्मेल आ रही है, ऑयल जैसी स्मेल आ रही है, घी जैसी स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रस भी उसका कैसा होना चाहिए, स्वाभाविक, कौन सा होता है स्वाभाविक रस, मधुर रस। और स्पर्श वो सारे उसके क्या होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। जल में घुल जाना चाहिए, ये भी आचार्य ने बोल दिया कि जब आप पानी मिला रहे हो तो आसानी से घुल जाना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं आजकल जो दूध वाले होते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं कि पानी मिलाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि पानी और दूध दोनों आपस में मिल जाते हैं, आप उसको अलग अलग नहीं कर पाते। तो जल में घुल जाए, शिशु के लिए पुष्टि व आरोग्य कर हो, उसे क्या कहते हैं, स्तन्य संपत कहते हैं। संपत, श्रेष्ठ या परीक्षा, तीनों एक ही बात है। तो ये भी आप लिख सकते हो, जो भी परीक्षा आपको याद रहे वो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति और प्रवृत्ति भी देख लेते हैं कि उत्पत्ति किस तरीके से हुई है।